जो कि यहां पर बताया गया था। ठीक, इसके बाद एक जो फेनोमेना होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कब होता है, जैसे कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, मतलब ये तो जो है ये कंडक्टर हो गया जहां पर मटेरियल है, ठीक है, और ये अंदर कैविटी है मतलब यहां पर मटेरियल नहीं है। अब इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है ना, तो कहा जाता है कि इस एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट इस कैविटी के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता ये हम लोग समझ सकते हैं। होता क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्जेज होते हैं, वो अपने आप को इस एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस हिसाब से कि वो चार्जेज यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और ये वाला एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों मिलकर के अंदर कैंसिल हो जाते हैं, तो कैविटी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है जीरो, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो हो गया जबकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। अगर कोई यहां पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा जाए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होता है ना, तो वो यहां पर रखने से वो अफेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं है, है ना। तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है जो मैंने बताया उसको मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर। मैंने बताया कि चार्जेज ऑन कंडक्टर रीडिस्ट्रीब्यूट themselves according to the external electric field, external electric field such that net इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी बिकम्स जीरो, है ना। तो यहां पर नेट का मतलब है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। एक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरा कौन सा आएगा जो इस पर चार्जेज हैं उनकी वजह से। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर पहले कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, इस कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड था। तो कोई चार्ज नहीं होने का मतलब है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में है यहां पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर फोर्स लगाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो इधर क्या है, इधर निगेटिव चार्जेज आ जाएगा इस साइड में। मान लेते हैं यहां पर ये निगेटिव चार्जेज आ गए इधर, ठीक है, क्योंकि उस पर इस एक्सटर्नल फील्ड ने फोर्स लगाया होगा। अब क्या हुआ कि ये इनका जो ये जो फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ला गए, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यानी कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना। इधर निगेटिव चार्ज आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो गई, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, है ना, इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। मैं इसको ई नॉट लिख देता हूं। तो इनकी वजह से जो चार्जेज इंड्यूस हुए, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट डायरेक्शन में और एक्सटर्नल फील्ड किधर है, राइट डायरेक्शन में, है ना, इधर। अब ये दोनों जो है यहां पर अंदर हर जगह कैंसिल कर देते हैं और इसलिए अंदर नेट फील्ड हो जाता है जीरो, मतलब ई नेट जो होता है वो होता है ई नॉट। ई नॉट है इस डायरेक्शन में, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, ई नॉट प्लस एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू जीरो, है ना। वैसे ई नॉट का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए कैंसिल होकर के नेट फोर्स जीरो हो जाता है। मैंने यहां वेक्टर फॉर्म में लिखा है इसलिए प्लस मैंने साइन नहीं लिखा है, सिर्फ प्लस लिखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होता है, उसमें कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेज हैं
वो और जो एक्सटर्नल फील्ड है वो मिल करके किसी कैविटी के अंदर नेट फील्ड जीरो कर देते हैं। नेट फील्ड जीरो होने से क्या होता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको अफेक्ट कर सकता है, उनको यहां रखने से वो सेफ रहते हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसको कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया है ना।